हमने सुना कि आप हमें छोड़ काशी जा रही हैं। यहाँ सब कुछ समेटकर हम आपके पास आ ही रहे थे बेटा। नहीं माँ, आप नहीं जा सकती। हमें जाना होगा, यही हमारी नियति है। वैसे ही जैसे इस राज्य पर शासन करना आपकी नियति है, उसकी रक्षा करना आपकी नियति है। किंतु हमें आपकी आवश्यकता है माँ। आप जब छोटे थे, बिल्कुल बालक, तब भी तो हम आपको छोड़कर गए थे, और जब हम वापस लौट कर आए तब आप कितने बड़े हो चुके थे, कितने समर्थ, कितने समझदार, कितने योग्य, जीवन की हर चुनौती का सामना करने योग्य। बीच में थोड़े लड़खड़ाए थे आप, और हम आ गए आपको सहारा देने। अब आप अपने पांव पर खड़े हो चुके हैं प्रताप, अब आपको हमारी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं है? यदि हम फिर से लड़खड़ा गए तो? नहीं होगा, नहीं होगा। वैसे आप एक ऐसी बूंद बन चुके हैं जिसमें गुणों का सागर समाया हुआ है। स्वतंत्रता की चाह, उसके लिए दृढ़ता, बल, इच्छा शक्ति, चाल, कूटनीति, सब कुछ तो है आपके पास प्रताप। जिसके आप जैसा पुत्र हो वो माँ अपने जीवन का अंतिम अध्याय निश्चिंत रूप से सदमार्ग पर चलकर जी सकती है। हम जानते हैं, सब यही कहेंगे, कितनी पगली है जयवंता, अभी अभी पुत्र पर हत्या का प्रयास हुआ है और जा रही है काशी। किंतु हमें विश्वास है आप इस समस्या से भी सफलतापूर्वक और अधिक सफल बनकर निकलेंगे। और हम जानते हैं आप हमारा ये विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे। नहीं तोड़ेंगे ना? नहीं तोड़ेंगे आपका विश्वास। बस एक अंतिम प्रार्थना, एक अंतिम निवेदन, आप जो कहें बताइए, क्या चाहिए आपको? बड़ी रानी माँ,
ये लीजिए हमारे सारे गहने हैं, आप सब आपस में बांट लीजिए। नहीं बड़ी रानी माँ, मत जाइए ना, रुक जाइए ना बड़ी रानी माँ। हमें जाना होगा अमर सिंह जी, और पता है हम हमारे साथ सबसे बड़ी पूंजी कौन सी लेकर जा रहे हैं? आपके साथ बिताए समय की स्मृतियाँ। तब तो आपको हमारे साथ और समय बिताना होगा। जब हम अपना युद्ध लड़ने जाएंगे आपको हमारा तिलक करना है, जब हम अपने पहले शत्रु को हरा के आएंगे आपको हमें आशीर्वाद देना है। आपने तो इनमें से कुछ भी नहीं किया और अब जा रही है। आपकी दादी साखू चिरंजीव होने का वरदान नहीं मिला है अमर सिंह जी। बड़ी रानी माँ, आपके हर कहना मानेंगे, आपके सारी बात सुनेंगे, मत जाइए ना बड़ी रानी माँ। अमर सिंह जी, क्षत्रिय बच्चे रोते नहीं है, हम सदैव आपके साथ रहेंगे, आपको हमारी कमी कभी महसूस नहीं होगी। जब भी आप हमें याद करोगे हम सदा आपके मन में आएंगे। नहीं बड़ी रानी, किसी भी बात की कोई चिंता मत कीजिए, अब ये परिवार आपका परिवार है। अच्छा, हमने आपसे जो कुछ भी कहा है उसे सदा याद रखिएगा। चलते जी, हम जानते हैं ये उपयुक्त समय नहीं है आपसे ये कहने का, परंतु क्या करें, आपको अब आखेट पे जाना होगा। क्यों ना बच्चे, राजधर्म सबसे पहला धर्म होता है। चलिए। जहां पना, मुगल फौज मिर्जाओं पर हमला करने के लिए तैयार है, बस आपसे यही जानना था कि जंग के बाद में जंगी कैदियों को कहां लेकर जाना है। जंगी कैदी नहीं होंगे जंग के बाद, हमारे तमाम सिपाहियों से यह कह दो कि जो भी सामने पड़े उसे मार दिया जाए, बेरहमी के साथ, बच्चे बूढ़े औरतें जो भी मिले मार दो उन सबको। मुकम्मल खूनरेजी के साथ खेल खेलना है हमें। आए क्यों है हम यहां? प्रताप की हल्दी घाटी की जंग के वक्त जो भी हमारे खिलाफ प्रताप का साथ देंगे उन्हें निस्तनाबूद कर दें। इतना समझाया हमने अफगान फौज को, पर नहीं, वो प्रताप का साथ देंगे तो दो इन्हें बेरहम के साथ सजाए मौत। हाँ, सिर्फ वो हाकिम खान सुर को जिंदा पकड़ना है, बाकी मुकम्मल कत्लेआम। जी हुजूर। खम्मा घड़ी राणा जी। घड़ी खम्मा राणा जी, ये है हमारे मान सिंह झाला जी। भला इन्हें कौन नहीं जानता? जानते हैं, पर राणा जी हमें तो आज से पहले आपसे मिलने का कभी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। किंतु हम मेवाड़ के हर व्यक्ति को उनके नाम से जानते हैं। अच्छा, प्रयास कर रहे हैं आपके साथ। भला ऐसा संभव हो सकता है कि हम हर व्यक्ति को उनके नाम से जाने? किंतु हाँ, आपकी बात तो कुछ और ही है। भला आपके अतिरिक्त और कितने होंगे हमारी कद काठी के? बस आप में थोड़े बदलाव किए जाएं, आपको हमारी वेशभूषा दी जाए, तो संभवतः आप हमारे ही प्रतिरूप लगेंगे। राणा जी, हमें समानता के लिए
ईश्वर के बहुत बहुत आभारी हैं। आप जैसे गुण तो हो नहीं सकते हम में, पर आप जैसी कदकाठी और कुछ समानताएं देकर ईश्वर ने हमें बहुत सौभाग्यशाली बना दिया है जी। आइए निकलते हैं आखेड़ के लिए। हुजूर, हुजूर, कम से कम 10,000 सिपाहियों की मुगल फौज आ रही है और साथ में पूरा लवाजमा है, हाथी है, घोड़े हैं, तोपे हैं और बारूद। 10,000? इतनी बड़ी फौज से तो हम कभी जीत ही नहीं सकते। अरे ब्रादर मिर्जा, हिम्मत रखो। हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा। बड़ी फौज है तो क्या हुआ, करेंगे डट का मुकाबला हम। देखो हाकिम भाई, अकबर से सीधी सीधी दुश्मनी तो है नहीं हमारी, फिर इस प्रताप के चक्कर में हम इतने मासूमों की जान खतरे में कैसे डालें? इससे तो बेहतर है कि हम सीधे अकबर के पास जाकर सुलह सफाई की कोई सूरत निकालने की कोशिश करें। दिमाग खराब हो गया है मिर्जा तुम्हारा। अकबर के साथ सुलह और सफाई की कोशिश, कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। चाहे तुम उसके सामने झुक के दो जानू क्यों ना हो जाओ, वो तुम्हें और तुम्हारे लोगों को बर्बाद किए बिना चुप नहीं बैठेगा। इससे तो अच्छा है कि बहादुरी के साथ उनका मुकाबला किया जाए। हम है ना तुम्हारे साथ। गुस्ताखी माफ हाकिम भाई, मिर्जा में ना तो आपके जैसी ताकत है और ना ही हौसला। बस आपसे मेरी इतनी सी इल्तिजा है कि जो बर्बादी मुझे साफ नजर आ रही है उसे टालने की बस एक कोशिश करने दीजिए। हो सकता है इस मुकम्मल तबाही से मेरी जान, मेरी रियाया बची जाए। अपने इस हकीर दोस्त की इतनी सी गुजारिश मान लीजिए हाकिम भाई। तो फिर ठीक है, अल्लाह निगहबान। मानसिंह जी, आपको हर पल राणा प्रताप की छाया बन के रहना है और कारण भी समझ लीजिए, क्योंकि कल ही किसी अज्ञात हत्यारे ने राणा जी के प्राण लेने का असफल प्रयास किया। वो आज भी चुप तो नहीं बैठा रहेगा, अवश्य ही वो फिर एक प्रयास करेगा। और राणा जी ने यहाँ आखेट में अपने साथ अंगरक्षकों को रखने से स्पष्ट इनकार कर दिया है, और हम इनकी सुरक्षा को लेकर कोई भूल चूक नहीं कर सकते। और सुनो, बड़ा महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व सौंप रहे हैं हम आपको, ध्यान रखिएगा। आप निश्चिंत रहिए चंडावत जी, हत्यार आस पास भी नहीं फटक पाएगा हमारे राणा जी में। मिर्जा, पहचानते हो इस धुन को? हमारे संतूर नवाज ने बताया कि ये धुन तुम्हारे मुल्क अफगानिस्तान की है। हमने भी उससे कहा कि मियां इसके साथ कुछ ऐसा काम करो जिससे इस पर मुगलिया मौसीकी की मोहर भी लग जाए। तो कैसा लगा तुम्हें हमारा ये ख्याल? जापना, हमारा आपके खिलाफ प्रताप की मदद करने का ख्याल ही गलत था, हमें आपकी ताकत का अंदाजा ही नहीं था। ठीक है, जो लोग वक्त से अपनी गलती कबूल कर लेते हैं, हमें ऐसे लोग बेहद पसंद हैं। तो बताइए क्या करना चाहिए अब हमें? जापना, आप हमारी जमीन से अपनी फौजों को हटा लीजिए। हम आपसे वादा करते हैं कि आप प्रताप के साथ चाहे जो भी करें, हम नजर उठा के भी आपकी तरफ नहीं देखेंगे हुजूर। मिर्जा, हमें तुम्हारी यह जमीन,
को बहुत पसंद आ गई है। ये जमीन, यहाँ की मौसीकी, यहाँ का पहनावा, यहाँ का मंजर, यहाँ की कुदरत, सब की सब। हमारी फौज जब यहाँ पड़ाव डाल रही थी तो यही सब तो सोच रहे थे हम, मन ही मन। क्या मतलब जहां पर ना? मतलब जिस जमीन को तुम अपना कह रहे हो वह सारी की सारी, सारी हमें चाहिए, हमें चाहिए। इस प्रकार हम जंगली सूअरों का अखेट कभी नहीं कर पाएंगे। यहां से हमें जंगल में चारों ओर बिखर जाना चाहिए, क्योंकि जंगली सूअर बहुत ही चालाक होता है। उनका अखेट करना इतना सरल नहीं होता। यदि हम सब साथ में जाएंगे तो उन्हें दूर से आभास हो जाएगा। भला इसी में कि हम चारों ओर फैल जाए। इस प्रकार हम एक अदृश्य मानवीय जाल भी बना लेंगे। और हाँ, यदि किसी को भी अपनी ओर जंगली सूअर आते हुए दिखे तो वो तुरंत ही औरों को संकेत दे। चेतक, शांत शांत हो जाइए। हम जानते हैं कि हमारी तरह आपको भी आभास हो रहा है गतिविधियों का, किंतु शांत हो जाइए, हमें चुपचाप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। शांत हो जाइए। अरे राणा जी रुकिए, हमारे हुकुम हुकुम रुकिए। आओ प्रताप आओ, शिकारी ने तुम्हारे लिए जाल बुन दिया है। आप बिना हमारी अनुमति के यहाँ क्या कर रहे हैं? हम आपसे बिना अनुमति लिए यहाँ अखेट पे आ गए, परंतु हम क्या करते? यदि हम आपसे अनुमति मांगते तो क्या आप अनुमति देते? नहीं, और हमें सीखने ही था अखेट करना आपसे, इसलिए हम बिना अनुमति के ही आ गए। अमर सिंह जी, जंगली सूअर अत्यंत खतरनाक होते हैं, अच्छे अच्छे योद्धा उनका सामना नहीं कर पाते। आप इतने हटी अमर सिंह जी, पीछे हटिए, पीछे हटिए। दाजी राज हमें क्षमा कर दीजिए, हमारे कारण आपको बहुत गहरी चोट आई है। आप ठीक तो है ना? हम इसी क्षण आपके लिए कहीं से औषधि लेके आते हैं। अमर सिंह जी, आप
विषाक्त तीर। अमर सिंह जी, अमर सिंह जी, नजराज अब ठीक है? बस एक और, उसके पास सदा सदा के लिए आपका काम तमाम। राणा जी, राणा जी, जाइए ढूंढिए उसे, जाइए। राणा जी, दादी राज उठिया। राणा जी, राणा जी, आप ठीक तो हैं?